जय हिंद। मेरा नाम कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी है। मैं वीर चक्र प्राप्त एक सिपाही हूँ। 103 इंजीनियर रेजिमेंट का मैं कमांडर रहा हूँ। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे आपसे ये पूछें कि पिताजी ईमानदारी से बताइए कि क्या आपके पिताजी ने भी आपको वही हिंदुस्तान दिया था जो आज आप हमें दे रहे हैं? क्या उस समय के हिंदुस्तान में इतनी बीमारियां थीं, इतनी अश्लीलता थी, इतनी बेरोजगारी थी? तो सच ये है कि आपका सर शर्म से झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये बताते रहे कि बच्चों, दुनिया की हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लिहाजा बच्चे ने एक दिन अपनी ईमानदारी को बेच दिया। हमने अपने बच्चों को कुछ भी सुनने की और कुछ भी देखने की पूरी स्वतंत्रता दी, लिहाजा हमने अपने बच्चों के दिमाग को अश्लीलता का कटोरा बना दिया। और हम ही ने अपने बच्चों के भविष्य की परवाह किए बगैर जाने कैसे कैसे गुंडा मवालियों को लोकसभा और विधानसभा में ले जाके बिठा दिया। नतीजा आपके सामने है। हमारा बच्चा योग्यता होने के बाद भी 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए गिड़गिड़ाता फिरे और कुछ लोगों के पास हजारों हजारों करोड़ रुपए हों, ये स्थिति बदलनी चाहिए। और केवल ये स्थिति ही नहीं, जो आज वर्तमान हिंदुस्तान की हालत है जहाँ पे सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिक तनाव चरम पर है, ये भी बदलना चाहिए। और ये कैसे बदल सकता है? ये केवल और केवल चरित्र निर्माण से बदल सकता है। बिना चरित्र निर्माण के राष्ट्रीय एकीकरण भी संभव नहीं है। और राष्ट्रीय एकीकरण और चरित्र निर्माण के लिए हमारा सुझाव है, हमारा प्रस्ताव है, हमारा अनुरोध है, बल्कि हमारा आग्रह है कि सभी स्कूलों में कम से कम एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग, या यूं कहिए कि प्रारंभिक सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। ये एलिमेंट्री सैनिक ट्रेनिंग केवल ड्रिल, लेफ्ट राइट, पीटी यही नहीं है। इसके अंदर पेट्रोलिंग भी है, इसके अंदर एम्बुश भी है, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, सूक्ष्म में भारत का इतिहास यानी कि स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट एड, और इसके अंदर भारत के संविधान में धारा 51A में दी गए आपके कर्तव्यों के बारे में विश्लेषण भी शामिल है। और फिर इसके अंदर एक एलिमेंट्री एक्सपोजर भी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, रोबोटिक्स, इनके बारे में भी बताएगा। कुल मिला के ये सिलेबस ऐसा होगा कि ये न केवल नींव रखेगा एक अच्छे सैनिक बनने की, बल्कि ये आपको एक अच्छा नागरिक भी बनाएगा। हमारे प्रस्ताव को सरकार के पास भेज दिया गया है। आशा है कि ये जल्द ही एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। जय हिंद।